मकसद ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का कि अलमारी समाज जो हमारे बिदर कर्नाटक पूरे हिंदुस्तान में है, सभी मिलकर हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। जो बीजेपी सरकार है जो हमारी डेमोक्रेसी को ख़राब कर रहे हैं, जो मुसलमान हिंदू मुसलमान करके उठ करके हमारे खूबसूरत एक दुनिया में सबसे खूबसूरत मशहूर हमारी कंट्री है जो वर्ल्ड सारे वर्ल्ड में इसको ख़राब कर नाम ख़राब कर रहे हैं। हम सारे समाज मिलकर इंडिया सारे इंडिया के हमारे समाज मिलकर कांग्रेस को सपोर्ट समर्थन में है। और ये बीजेपी सरकार जो है सिर्फ जुमलों की सरकार है। 15 लाख अकाउंट में आएंगे बोल के बोले, फिर अमित शाह का बयान आता है कि वो कहते हैं सिर्फ एक जुमला था, ये देने के लिए नहीं था, सिर्फ जुमला था। इसी तरह से बहुत सारे खाली जुमलों में ही सरकार बनाकर इन्होंने जीत रहे हैं। 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा था, लेकिन 2021 से अभी तक 2 करोड़ 45 लाख नौकरियों को ख़त्म कर चुके हैं। और हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट अब आने के बाद खड़गे साहब ने कहा है कि 45 लाख जो नौकरियां खाली है वो जल्द से जल्द 45 लाख नौकरियों को भर्ती करेंगे हमारे इंडिया में, ऑल इंडिया में। इसी तरह से हमारे सागर खंडे साहब जो ठहरे हैं बीदर डिस्ट्रिक्ट से एमपी के लिए, ला के पढ़े पढ़े हुए और एजुकेशन पर्सन है, अच्छे खासे डेवलपमेंट करने का वायदा किया है। हर सारे बीदर के लोगों से हमारी गुजारिश है, हर समाज के लोगों से गुजारिश है कि सागर सर खंडे साहब को वोट देकर उनको कामयाब बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा लीड लाकर उनको विजेता बनाएं। और जो हमारे बीजेपी सरकार को हटाकर हमारे देश को बचाना है, मोदी को हटाना है, देश को बचाना है, बीदर को बचाना है, कोबा को हटाना है। इसी तरह से जो ये है बीजेपी सरकार ने गवर्नमेंट जो जो गवर्नमेंट स्कीम थे उसको ख़त्म कर कर प्राइवेट करें, जैसा कि 4 जो गवर्नमेंट बैंक थे, पंजाब बैंक, महाराष्ट्र बैंक, यूको बैंक, आईडीबीआई बैंक, ये सब प्राइवेट कर चुके हैं। जो गवर्नमेंट अब आजकल एजुकेशन पढ़कर आदमी क्या चाहता है कि एजुकेशन होने के बाद गवर्नमेंट जॉब लगे। जब ये गवर्नमेंट की चीज़ें गवर्नमेंट रहेंगे ही नहीं तो कहाँ से जॉब्स लगेंगे। इसलिए जॉब देने के वजह ना जॉब खराब कर रहे हैं, पूरे इंडिया को बर्बाद करके रखे हैं। कांग्रेस को लाना है इस बार, बीजेपी को हटाना है। सारे इंडिया से, बिदर की जनता से, कर्नाटक की जनता से, सबसे, हर कौम से, हर मजहब के लोगों से हमारी गुजारिश है कि कांग्रेस को वोट देकर कामयाब बनाए और भारी से भारी तादाद में लीड में, 350-400 लीड में ऑल इंडिया में कांग्रेस की गवर्नमेंट आने वाली है और आएंगे। और जो यहाँ बीजेपी इस गवर्नमेंट को हटाना है, इसे हर चीज़ में जुमले ही बोलते हैं, कुछ काम नहीं करते, काम के नाम पे वोट मांगने नहीं मांगते। कांग्रेस गवर्नमेंट को लाना है और ये 5 गारंटी का